Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक सब्लिमेशन टेक। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गोल्डन मग के ऊपर आप लोग फोटो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गोल्डन मग आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आज हम लोग इस गोल्डन मग के ऊपर फोटो प्रिंट करना सीखेंगे। सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा हम लोग गोल्डन मग के ऊपर फोटो प्रिंट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गोल्डन कलर का मग है जिसके ऊपर आप लोग सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा फोटो अपना प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी कोटेशन आप लोग इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गोल्डन मग है जिसके ऊपर आज हम लोग फोटो प्रिंट करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं गोल्डन मग कितना बढ़िया दिख रहा है आपको, क्या लुक है इसका। ये देखिए अंदर में आप देख सकते हैं गोल्डन मग को आप इस तरीके से। ये देखिए गोल्डन मग के ऊपर आप चाहें तो कोई भी कोटेशन आप इस पे प्रिंट कर सकते हैं या फोटो प्रिंट कर सकते हैं। चलिए आज हम आप लोगों को दोनों प्रिंट करके दिखाने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रिंट करेंगे तो बढ़िया प्रिंट आएगा आपका। टाइम और टेम्परेचर क्या होगा इसके प्रिंटिंग के लिए, कैसे आपको प्रिंट करना है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज को वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम लोग कल चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम लोग पहले डिजाइन करना सीखेंगे। मग के ऊपर जो फोटो हम लोगों को प्रिंट करना है वो आप कैसे डिजाइन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग सीखेंगे गोल्डन मग प्रिंट के लिए हम लोग डिजाइन करना यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोग फोटोशॉप पे डिजाइन करना जानते हैं तो आप लोग फोटोशॉप पे कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है फोटोशॉप नहीं, कोरल ड्रा या और अदर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं तो आप लोग उस पर भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है फोटोशॉप ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को डिजाइन, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन करके रखा हुआ है। सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोग इसको डिजाइन प्रिंट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कोटेशन जो है बनाए हुए हैं जो कि हम लोग गोल्डन मग के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर फ़ोटो प्रिंट करना चाहते हैं तो फ़ोटो की आपको बता दें कि उतना बढ़िया फ़ोटो की विजिबिलिटी इस मग पर नहीं आती है जितना बढ़िया इस पर लोगो या आप कोई कोटेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम लोगों को फ़ोटो इसको सेट करके निकालना है। और आप लोगों को बता दूं कि प्रिंटिंग के पहले हम लोगों को इसको मिरर प्रिंट निकालना है। सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोगों को मिरर प्रिंट इस पर निकालना है। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसको डिजाइन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर में इसको रखने के बाद हम लोग इसको पहले मिरर कर लेंगे। तो आप लोग इसको ऐसे मिरर कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से भी आप लोग इसको मिरर कर सकते हैं। और आप चाहें तो प्रिंटर की सहायता से भी आप लोग इसको मिरर कर सकते हैं। ये देखिए अब देखिए हम लोग इसको पहले इस तरीके से मिरर कर लेंगे। यहाँ पर जो है क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हम लोगों का प्रिंट आउट जो है ये मिरर हो जाता है। मिरर होने के बाद हम लोग इसको प्रिंट दे देंगे। ये देखिए प्रिंट कैसे देना है, यहाँ पर फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट विथ प्रीव्यू आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस दिखाई पड़ता है आपको। इसके बाद ये प्रिंटर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट साइज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो कि A4 साइज का रहेगा। उसके बाद पेपर टाइप की बात करें हम लोग तो यहाँ पर मैट रखने वाले हैं। क्वालिटी की बात करें तो हम लोग हाई क्वालिटी में इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो ये देखिए उसके बाद कलर देखने के बाद यहाँ पर कलर प्रिंट हम लोगों को निकालना है। तो उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे इस तरीके से।
ये देखिए हम लोगों का प्रिंट निकलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से प्रिंट हम लोगों का निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोगों का प्रिंट आउट निकल चुका है, जो कि हम लोग गोल्डन मग के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक कोटेशन निकाला हुआ है, जो कि आपको रीडेबल नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है हम लोग इसको मिरर प्रिंट निकाले हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी ये प्रिंट होगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या इस पर लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ कोटेशन इस पर लिखा हुआ है, तो इस गोल्डन मग के ऊपर हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसकी फटाफट कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों प्रिंट आउट हम लोगों का निकल चुका है, चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लिया है, जो कि सब्लिमेशन पे प्रिंट है हम लोगों का। और इस तरीके से हम लोग ये देखिए इस गोल्डन मग के ऊपर हम लोग इसको जो है बढ़िया से साफ करके इसके ऊपर हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। ये देखिए बराबर में इसको देख करके हम लोग इसको लगा देंगे। साइज़ की बात करें तो इसकी दोस्तों हम लोग वही 3.5x8 की साइज़ में हम लोगों ने इसका प्रिंट निकाला हुआ है, जो कि सब्लिमेशन पेपर पे निकला हुआ है। ये नॉर्मल पेपर पे नहीं होगा, ना तो नॉर्मल प्रिंटर से आप लोगों का ये प्रिंट आपका निकलेगा। इसके लिए आपको सब्लिमेशन पेपर की आवश्यकता होगी और सब्लिमेशन प्रिंटर की आवश्यकता होगी, तभी आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग इसको बराबर में नाप करके तब इसको कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको बराबर करने के बाद हम लोग इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए आप लोग इसको बराबर में ऐसे नाप लेंगे, इधर बराबर है और ये इधर, इस तरीके से करने के बाद हम लोग ये देखिए सब्लिमेशन टेप है, इसकी सहायता से हम लोग इसको लॉक कर देंगे बढ़िया से। ये देखिए इसकी सहायता से हम लोग इसको लॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर, जहां पर हम लोग टाइम और टेम्परेचर सेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग टाइम और टेम्परेचर सेट करेंगे इस गोल्डन मग को प्रिंट करने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर। ये देखिए दोस्तों हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग टाइम और टेम्परेचर सेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग टाइम और टेम्परेचर को सेट करेंगे। तो ये देखिए 5-in-1 हीट प्रेस मशीन है, जिसके ऊपर हम लोग टाइम और टेम्परेचर सेट करने वाले हैं। तो किस तरीके से आप लोग इसको सेट करेंगे ये देख सकते हैं आप। मोर की बटन हम लोग प्रेस करेंगे इस तरीके से, मिनिमम टेम्परेचर 290 और मैक्सिमम टेम्परेचर 330 और टाइमिंग 60 सेकेंड। ऑलरेडी पहले से इस पर सेट है, तो हम लोग इसी के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं। ये देखिए अगर आप लोगों की मशीन सेट नहीं है तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मोर की बटन प्रेस करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर आप लोग इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हम लोगों ने 290 रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर 330 और टाइमिंग 60 सेकेंड। ये देखिए मशीन हीट होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग ये देखिए ये अटैचमेंट है जिसके अंदर हम लोग इसकी सहायता से मग को प्रिंट करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर है, ये अटैचमेंट है, इसी अटैचमेंट के माध्यम से हम लोग इस मग को प्रिंट करेंगे गोल्डन मग को। अगर आपके पास सिंगल मल्टी फंक्शन सिंगल मग प्रिंटिंग मशीन है तो आप लोग उसमें कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर बैक कवर प्रिंटिंग वाली मशीन है मल्टी फंक्शन मशीन है तो उसके कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे आप इस तरीके से, अगर आपको नहीं है आइडिया तो आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके मैंने मग प्रिंटिंग का वीडियोस वहां पर डाल रखा है, मल्टी फंक्शन मशीन के अंदर कैसे आप मग प्रिंट करेंगे उसको आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से मग को प्रिंट करना होगा। ये देखिए दोस्तों कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं मशीन हीट होने के लिए, जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग इस अटैचमेंट, ये देखिए मशीन बीप की आवाज़ कर चुकी है। चलिए अब हम लोग इसके अंदर ये मग है जो कि गोल्डन मग, इसको हम लोग इस मशीन के अंदर प्रिंट करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हम लोग ये इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बराबर में हम लोग इसको लगा देंगे, उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए लास्ट वाली बटन हम लोग इसको
प्रेस कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का टाइम जो टेम्परेचर है ये कुछ माइनस में होता है, क्योंकि मग का जो है ये मग थोड़ा सा ठंडा रहता है आपका, इसलिए ये टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर एक बार डाउन होगा उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 330 तक जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा तब आपका जो है ये मग मशीन बीप की आवाज़ करेगी, तब हम लोग मग को निकालेंगे। ये देखिए मग हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है अटैचमेंट के अंदर। देखिए टाइम जो है हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। ये देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गया है टाइम। जैसे ही ये 3:30 और 60 सेकंड टाइम आउट होगा, हम लोग जो है तुरंत मग को निकालेंगे, मशीन बीप की आवाज़ करेगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये देखिए दोस्तों कुछ ही सेकंड बाकी हुआ है, इसमें बचा हुआ है। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग जो है इस मग को निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है। चलिए अब हम लोग मग को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग मशीन को ऑफ कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए अटैचमेंट के अंदर मग लगा हुआ है, हम लोग इसको जो है निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये मग हम लोगों का प्रिंट हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए मशीन, ये आपका मग बहुत ही हीट है, आराम से इसको करना है। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है इसका। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए आपका कितना बढ़िया ये मग प्रिंट हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कोटेशन आपको विजुअल हो रहा होगा। ये देखिए ब्लैक में प्रिंटिंग, इसकी प्रिंटिंग आप देख सकते हैं इस गोल्डन मग के ऊपर। फोटो अगर आप इस पर कलर वाला प्रिंट करेंगे तो उतना बढ़िया विजुअल नहीं होगा जितना बढ़िया इस पर कोटेशन वगैरह आपका प्रिंट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंट आया हुआ है। ये सब्लिमेशन पेपर और सब्लिमेशन इंक की सहायता से ये हम लोगों ने इसको प्रिंट किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इससे कुछ सीख पाए होंगे। अगर कुछ भी इससे सीख पाए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज़ के वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।